एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 11 सितंबर बुधवार की सुबह तकरीबन 9 बजे अनिल ने आयशा मैनर बिल्डिंग से अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनिल बीमार थे और परेशान भी थे। अनिल ने अपनी मौत की सुबह बेटी मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा से बात की थी। उन्होंने जिंदगी से तंग आ जाने के बारे में दोनों से कहा था। अब उनकी मौत की वजह का खुलासा हो गया है। अनिल अरोड़ा के सुसाइड की बात सामने आने के बाद मुंबई पुलिस बांद्रा पहुंची थी। उनके पीछे फोरेंसिक टीम भी वहां आई थी। अनिल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब पोस्टमार्टम से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आ गई है। इसमें उनकी मौत के मुख्य कारण का खुलासा हो गया है। रात के करीब 8 बजे अनिल अरोड़ा का पोस्टमार्टम किया गया था। ये घंटों तक चला। उनके शरीर के विसेरा को बचाकर रखा गया है और फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इससे आगे जांच में मदद मिलेगी। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद अनिल अरोड़ा की मौत को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अनिल की मौत शरीर में बहुत सारी चोटें लगने से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मलाइका अरोड़ा के परिवार को अनिल अरोड़ा का पार्थिव शरीर लौटा दिया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।